देख सकते हैं ये महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट्स है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग आते हैं, अलग अलग आता है एक तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू पीस है, कहीं से कोई लोकल नहीं है और ये पुराना नहीं है जो देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो इस पे आपको 15% डिस्काउंट मिलता है। XUV300 है या प्लान कर रहे हो तो भैया के पास बेफिक्र से आ सकते हो और 15% डिस्काउंट के साथ ऑल ओरिजिनल जेनुइन एक्सेसरीज लगा सकते हो। डुप्लीकेट लगाने से बच सकते हो भाई, मार्केट में जो ठगी होती है उससे आप लोग बच सकते हो। कैसे आप सब, होप काफी ज्यादा बढ़िया होंगे, सेफ होंगे। और एक काफी टाइम से डिमांडिंग थी कि भाई महिंद्रा XUV की काफी मॉडिफिकेशन दिखा दी, बट हम लोग प्लान कर रहे हैं W4 लेने का, एक W6 लेने का, जो कि भाई एक बजट फैमिली होते हैं, मीडियम लोग के लोग रहते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम बेस लेके बिल्कुल टॉप तक उसको मॉडिफाइड करें। तो क्या बेस से टॉप की सारी मॉडिफिकेशन के किट अवेलेबल है, सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो आज आप लोगों को मेन फोकस रहेगा कि भाई क्या क्या चीज आप अपने W4 से W8 में करवा सकते हैं या फिर W4 से W6 में करवा सकते हैं। तो सारा चीज अपने पास अवेलेबल है, जेन्युइन महिंद्रा ओरिजिनल पार्ट, ठीक है। तो भाई एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स में आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, सब चीज की अनबॉक्सिंग करेंगे और क्या क्या अपनी गाड़ी में आप इंस्टॉल कर सकते हो वो चीज मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और भाई राकेश जी, एक चीज सबसे बड़ी जो पॉइंट आता है, किसी चीज में कोई वायर कट वारंटी वाइड नहीं। देखिए ये टोटल ओरिजिनल महिंद्रा का पार्ट है, कपलर टू कपलर फिटिंग होगा, रिले के साथ होगा, कहीं से कोई वायर नहीं कटेगा। ये कहते हैं ना मतलब कि फोग लाइट से लेकर के और बड़े हेडलाइट से लेकर के मतलब उस जो भी चीज आप लगवाते हैं किसी में भी आपका वायर कट नहीं होता है, कपलर टू कपलर काम होता है। तो गाइस आप लोग का XUV300 को लेके बहुत ही अच्छा प्यार सपोर्ट आया, तो हमारी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनता है। तो राकेश जी कितना डिस्काउंट दे रहे हैं भैया? जो भी हमारा ये पार्ट्स है महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट्स है, जो MRP है उसमें मैं 15% डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो भाई 15% की डिस्काउंट मिलेगी आप लोग को XUV300 का, अगर आप कुछ भी चीज लेते हो, कुछ भी चीज मॉडिफाइड जेन्युइन एक्सेसरीज पे, पूरा जेन्युइन एक्सेसरीज जितना भी है ना आप देख सकते हैं, पूरा ये जेन्युइन महिंद्रा का है, ये तो वहां से लेकर के पूरा यहां से लेकर के पूरा, और अभी तो और आना है। तो मतलब ये तो अपना महिंद्रा का हो गया गोडाउन, उसके साथ वाला निशान का गोडाउन है। तो जो भी पार्ट्स है 15% डिस्काउंट मिलेगा। मैं जितना भी अपना ये जितना भी सामान है एक एक करके मैं आपको प्राइस दिखाऊंगा और मतलब कि अपना जो भी सामान है वो सब दिखाऊंगा और जो भी रेट होगा उस पे 15% डिस्काउंट होगा। तो भाई ज्यादा बात ना करते, एक एक करके सारे प्रोडक्ट देखते हैं और उसके बाद भाई आप अपनी गाड़ी सोच लो, बेस मॉडल आपकी बिल्कुल मेकओवर होके बिल्कुल टॉप हो जाएगा। तो सारे भाई आ जाओ, यहाँ पे टॉप के लिए सारा सामान हम ला चुके हैं और काफी दिन से था हम बोल रहे थे जो पार्ट्स का वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब हम वीडियो बना रहे हैं और दिखाएंगे भी आपको सामान और डिस्काउंट भी देंगे। चलो तो भाई सारे भाई आ जाओ, एक एक करके सारे पार्ट के अनबॉक्सिंग करते हैं और सारे पार्ट्स को एक एक करके देखते हैं और किस पे क्या MRP है, फिर आप लोग को जो डिस्काउंट मिलना ही मिलना है। आ जाओ। तो भैया मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ छोटे आइटम से, जो मतलब छोटे तो है लेकिन काम में बहुत बड़े हैं। तो मैं सबसे पहले आपको स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल को दिखाता हूँ जो डब्बे पैक में आया हुआ है। देख सकते हैं ये महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट्स है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग आता है, अलग अलग आता है, एक तो आपका वॉल्यूम का आता है जिसमें फोन वोन कट करना होना चेंज होता है, दूसरा क्रूज वाला आता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं मतलब छोटी छोटा पैकेट बड़ा धमाका, छोटा पैकेट है बड़ा धमाका है भैया, ठीक है। आप गाड़ी चला रहे हैं तो स्टीरियो जितना भी एंड्रॉइड है उसका सारा फंक्शन आपके हाथ में ही रहता है, क्रूज भी है बिल्कुल। ये देखो, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू पीस है, कहीं से कोई लोकल नहीं है और ये पुराना नहीं है जो देख सकते हैं यहाँ पे आप। ये वॉल्यूम का है, ये म्यूट का है, यहाँ से आप गाना वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये फोन का है, ठीक है, ठीक है भैया। उसके अलावा एक साइड, ये तो लेफ्ट साइड का होगा, ये राइट का होगा। अलावा मैं दूसरा दिखाता हूँ, ये क्रूज कंट्रोल का है, ठीक है, दोनों तरफ वाला, चलो ठीक है। इसका सिल्वर पैनल भी है जिसके अंदर ये फिट होता है, ठीक है भैया। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है और न्यू पीस है, कोई पुराना नहीं है, कोई लोकल नहीं है। जो भी MRP मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2205 रुपए, इसमें 2205 रुपए। तो इस पे आपको 15% डिस्काउंट मिलता है। चलो उसके अलावा उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको ये महिंद्रा का सेंटर लुक है, जो देख सकते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और जेन्युइन पार्ट्स, यहाँ पे जेन्युइन पार्ट्स, इसके अंदर है सेंटर लुक महिंद्रा का, जो बिना वायर कटिंग के कपलर टू कपलर लगता है
तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये महिंद्रा का गारंटी कार्ड है जो देख सकते हैं सेंटर लॉक का। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको ये यूनिट, जो सेंटर लॉक का यूनिट होता है उसके ऊपर ये महिंद्रा का आपको बैजिंग मिल जाता है। ये देखिए ठीक है। उसके बाद आपको ये सेंटर लॉकिंग का रिमोट मिल जाता है। इसके अंदर W8 वाला मॉडल का जो रिमोट होता है ना S11 स्कॉर्पियो के अंदर आता है फिलिप की वाला, वो भी रिमोट आपको मिल जाएगा। ठीक है ठीक है। और अगर नॉर्मल रखना चाहे तो नॉर्मल रखना चाहते तो नॉर्मल, तो ये महिंद्रा का यहाँ पे आपको बेजिंग मिल जाएगा। ये रिमोट का वो रहने वाला है। ठीक है भैया, ये सेंटर लॉकिंग का हो गया। तो मैं अब आपको मैं दिखाता हूँ W4 जो गाड़ी आती है XUV 300 जो W8 ऑप्शन जो बनाते हैं हम W4 को, जो मेन चीज होता है हेडलाइट। अब मैं आपको वो दिखाने के लिए जा रहा हूँ जिसके अंदर DRL होगा और बिल्कुल प्रोजेक्टर वाली लाइट होती है W8 वाली, जो W8 के टॉप मॉडल टॉप मॉडल में जो लग के आती है W8 वाली जो हम W4 में लगाते हैं वो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। तो ये है भाई वो डब्बे और अलग अलग आता है दोनों का। ये देखो महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स। मैं हेडलाइट दिखा रहा हूँ जो W8 में लग के आता है, W4 में नहीं लग के आता है। तो ये टॉप मॉडल वाली W8 वाली हेडलाइट है जो हम W4 के अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये देखो। ये है भाई अपना ब्रांड न्यू। ये कर दी भाई, ये देखो ब्राइटनेस और भाई ये देखो कितना बढ़िया लग रहा। ये अपना प्रोजेक्टर वाली है देख सकते हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ से यूं DRL है। ठीक है ठीक है। और ये पूरा नीचे वाले DRL तक जाता है, नीचे जो इसके नीचे जो DRL लगता है ना वो पूरा नीचे तक जाता है जो W8 के अंदर लग के आता है, जो कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हो। जो मैं आपको यहाँ पे आपको महिंद्रा का बैजिंग भी दिखा देता हूँ। लोग कहते हैं महिंद्रा का बैजिंग दिखाओ, तो ये देखो महिंद्रा का बैजिंग है ओरिजिनल। ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हो, हर एक चीज कर सकते हो और बिल्कुल डिस्काउंट है ये। इस पे भी आपको 15% डिस्काउंट मिल जाता है सर। ठीक है भैया। तो अब हेडलाइट के बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ DRL जो हेडलाइट के नीचे बिल्कुल आई शेप वाला DRL होता है वो दिखाने के लिए। W6 में भी नहीं आता है, सिर्फ W8 मॉडल के अंदर आता है। W4 में भी नहीं आता, W6 में भी नहीं आता, जो हेडलाइट के बिल्कुल नीचे लगता है, जो पूरी एक लाइन बना देता है, जो हेडलाइट में जो DRL होता है उसके साथ पूरा मैचिंग करते हुए नीचे जाता है। चलो तो ये है भाई अपनी बॉक्सिंग जिसमें DRL आता है। ये कर दिया पूरा अनबॉक्स अपना महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स। ये पूरा जेन्युइन है, कहीं से कोई लोग खरीदते हैं महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है आपको यहां पे। देखो यहां पे आगे जाएंगे, इससे भी आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये खोल दो, ये है अपना DRL। ये DRL है देखिए यहां पे, ये मैं आपको DRL दिखाता हूं। ये देखिए ये बिल्कुल हेडलाइट जो होता है ना हेडलाइट के नीचे लगता है, यूं नीचे लगता है हेडलाइट के नीचे। इसमें भी व्हाइट रोशनी है और हेडलाइट में भी व्हाइट रोशनी रहता है। ये देखिए इसका ये ब्लास्टर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाइए महिंद्रा का बैजिंग आपको मिल जाता है। ठीक है भैया ठीक है। तो बिल्कुल ये ओरिजिनल है, कहीं से कोई लोकल नहीं है और बिल्कुल आपको GST बिल भी आपको दे सकते। तो आई सेफ DRL के बाद मैं दिखाता हूँ उसके नीचे लगता है फोग लाइट जो सबसे जरूरी चीज है, जो सबसे जरूरी चीज है फोग लाइट। और उसके साथ जो लगता है हार्नेस जो होता है जो इसका वायरिंग किट, मतलब वायरिंग भी हम लोग महिंद्रा भी जेन्युइन लगाते हैं, महिंद्रा का ही रहेगा, रिले भी ओरिजिनल महिंद्रा का ही लगेगा जो फोग लाइट के साथ लगेगा। तो मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। ये देखो पहले मैं फोग लाइट दिखाता हूँ फिर मैं आपको रिले दिखाऊंगा। ये देखो फोग लाइट की अनबॉक्सिंग हो रही है यहाँ पे। A to Z सारा महिंद्रा जेन्युइन चीज में डील करते हैं ताकि आप लोग के ट्रस्ट पे हमेशा खड़े उतरा कार कस्टम। ये देखो ये फॉग लाइट ऐसे आता है, एक पेयर आता है एक ही डब्बे में भी ऐसे, एक एक सिंगल डब्बे में भी आता है और एक डब्बे में दो भी आता है और एक सिंगल डब्बे में सिंगल भी आता है। ठीक है। ये बल्क में ऐसा वाला आता है, बल्क में, हम बल्क में आप माल देख सकते हैं, बल्क में उठाते तो ऐसे ही आते हैं। ठीक है। तो ये देखो ये है भाई अपना ओरिजिनल फॉग लाइट, ये देख सकते हैं यहाँ पे QR कोड है। ये फॉग लाइट देख सकते हैं ओरिजिनल महिंद्रा का फॉग लाइट आपका रहने वाला, जो फिनिशिंग भी देख सकते हैं, हर एक चीज देख सकते हैं। प्लस रहा बैजिंग का बात, तो बैजिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दिखाइए जूम करके, यहाँ पे महिंद्रा का बैजिंग आपको मिल जाता है। ठीक है भैया ठीक है। और इसके साथ अब जो लगेगा वायरिंग किट, वो मैं वायरिंग किट आपको दिखा देता हूँ। ये है भाई वायरिंग किट यहाँ पे, ये भी महिंद्रा का, इसमें देखिए महिंद्रा का हरी वायरिंग किट का हरी यहाँ लोगो भी मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ महिंद्रा जेन्युइन एसेसरीज और ये वायरिंग किट यहाँ पे देख सकते हैं और फोग लाइट के साथ यहाँ पे लगेगा। मतलब कैसे कनेक्शन करना है वो भी दे रहा है, कैसे करना कैसे नहीं करना ये डेमो आपको मिल जाता है जो देख सकते हैं। ये फोग लाइट दिखा रहा है, ये फोग लाइट है देख सकते हैं, यहाँ पे वायरिंग आराम से इसमें, मतलब कोई वायर कट नहीं, कपलर टू कपलर। ये दो कपलर टू, ये महिंद्रा का वायरिंग किट है, कोई लोकल वायरिंग किट नहीं है। इस पे भी आपको ये मतलब सर्च मतलब की यहाँ पे कर सकते हैं।
ये यहाँ से आपको कपलर टू कपलर फिट हो जाता है, कहीं से वायर नहीं करता है और गाड़ी के अंदर ये डायरेक्ट जुड़ जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा कटिंग, कहीं से एक्स्ट्रा कटिंग नहीं होता है, कोई लोकल वायरिंग हम नहीं लगाएंगे भैया, ठीक है ना। तो आपको फोग लाइट दिखा दिया, फोग लाइट के साथ रिले भी दिखा दिया, तो एक चीज और दिखाना है फोग लाइट के साथ जो लगता है, और बिल्कुल ओरिजिनल चीज लगाना, कभी भी लगाना तो ओरिजिनल चीज लगाना, और मैं ओरिजिनल चीज ही लगाता हूँ, चाहे उसका फ्रेम हो, चाहे वायरिंग हो, चाहे फोग लाइट हो, चाहे जो मर्जी हो। तो मैं एक चीज और आपको फ्रेम दिखा देता हूँ जो फोग लाइट के साथ लगता है जेन्युइन फिटिंग के अंदर। ये भी महिंद्रा का जेन्युइन पार्ट्स रहने फ्रेम वाला अलग आता है भी इसमें। फ्रेम अलग आता है, फोग लाइट अलग आता है, रिले अलग आता है, फ्रेम अलग आता है। तो मैं वो चीज दिखाना चाहता हूँ, ये पियानो ब्लैक के अंदर आता है इसका फ्रेम, ठीक है। तो मैं वो चीज आपको दिखा देता हूँ, ये है भाई, ये देखिए, ये पियानो ब्लैक के अंदर फ्रेम होता है जो हेड लाइट में फिट होता है ऐसे करके, ठीक है ठीक है। यहाँ पे भी आपको लोगो देखने को मिल जाएगा, आप पास करके दिखाइए, यहाँ पे भी देखिए महिंद्रा का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, जो मैं फोग लाइट के साथ फिट करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ऐसे करके लग जाता है, ऐसे करके लग जाता है। और पियानो फिनिश में है, ओरिजिनल महिंद्रा का है। लोकल लगाने से क्या होता है ना, यहाँ पे लोक वगैरह बैठ नहीं पाता है, उसमें लोक सिस्टम होता है, फिटिंग प्रॉपर नहीं आती, इसमें पेज सिस्टम होता है, जो यहाँ पे देख सकते हैं पेज सिस्टम होता है, ये लोक सिस्टम होता है जो प्रॉपर तरीके से बैठ जाता है उसके अंदर, ठीक। तो ये लगाते हैं, आपको दिखाता हूँ जो डब्ल्यू एट मॉडल के अंदर लग के आते हैं, ओ आरबीएम साइड मिरर ऑटोमेटिक फोल्डिंग वाला, वो डब्ल्यू सिक्स में भी नहीं आता, डब्ल्यू फोर में भी नहीं आता, जो डब्ल्यू एट में आता है। तो W4 और W6 के लिए भी हम ले आए हैं बिल्कुल रिजनेबल रेट पे, 50% डिस्काउंट पे। तो उसको मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ, ये तो ये देखिए ORBM है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक में, ग्लॉस ब्लैक के अंदर इसका ऊपर का ढक्कन आता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल आपको महिंद्रा का ORBM मिल जाता है, और बिल्कुल 15% डिस्काउंट में मिलता है फिट करके, बिल्कुल ओरिजिनल कपलर टू कपलर, कोई वायर नहीं कटेगा, ये कपलर है, कपलर टू कपलर बिल्कुल फिटिंग मिलेगा, वो भी बहुत ही बढ़िया, और कहीं से आपका वायर कट नहीं हुआ, आपकी गाड़ी का गारंटी हुआ, कुछ भी खत्म नहीं होने वाला इसमें। तो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको ORBM के बाद मैं ग्रिल दिखाने जा रहा हूँ, जो डब्ल्यू एट मॉडल में लग के आता है, डब्ल्यू फोर मॉडल में लग के नहीं आता है, जो टॉप मॉडल में लग के आता है। तो अब मैं आपको ग्रिल दिखाने जा रहा हूँ W8 वाला, जो W4 और W6 में हम लगाएंगे। ये है ग्रिल, ठीक है, ये है ग्रिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिल्वर है, ये आपका हो गया W8 वाला, ठीक है, क्रोम यहाँ पे, बाकी ये पियानो फिनिश के अंदर है, और ये भी आपको 15% डिस्काउंट में दूंगा, और बिल्कुल रिजनेबल पे, और जीरो टू जीरो फिटिंग होता है। ये भी ओरिजिनल महिंद्रा का, मैं आपको बैजिंग दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप जूम करके पास करके आराम से यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा का, यहाँ पे आपको बैजिंग जाएगा ओरिजिनल में, हर जगह बैजिंग में, बैजिंग जो भी आइटम मैं आपको दिखा रहा हूँ सब ओरिजिनल महिंद्रा का, कोई लोकल नहीं है, कहीं से कोई लोकल नहीं है, और बिल्कुल फिटिंग जीरो टू जीरो, कहीं से कोई प्रॉब्लम। ग्रिल के बाद मैं आपको दिखाता हूँ रूफ ड्रिल दिखाता हूँ, जो ओरिजिनल अपना महिंद्रा का रहने वाला है रूफ ड्रिल, जो देख सकते हैं महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स जेन्युइन एक्सेसरीज। इसमें आफ्टर मार्केट भी आता है, दोनों आता है, और महिंद्रा का भी हमारे पास आफ्टर मार्केट भी है, तो जैसे आपको अच्छा लगेगा मैं दिखा दूंगा, जो आप कहेंगे वो लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए ओरिजिनल महिंद्रा का रूफ रेल है, ठीक है। तो फिनिशिंग वगैरह देख ही सकते हैं, जीरो टू जीरो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई मतलब कि फिनिशिंग में प्रॉब्लम नहीं है, जो टॉप मॉडल में लग गया। तो मैं अब रूफ रेल के बाद मैं दिखाता हूँ आपको स्पॉइलर ओरिजिनल महिंद्रा एसएससी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ स्पॉइलर में क्या है भैया, एक कलर नहीं आता, इसको कलर करवाना पड़ता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल आता है, जो आपके आरसी पे जो गाड़ी का कलर होगा तो उसी कलर के हिसाब से ना इसको पेंट करवाना पड़ता है, ठीक है। कंपनी वैसे नॉर्मल देता है, जो मैं ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ, कंपनी भी फिट करेगा तो वो भी कलर करवा के करता है, और ये नट वाला होता है, कोई चिपकाने उकाने वाला नहीं होता है, ये छेद करके ड्रिल करके इसको लगाया जाता है, ताकि ओके रिपोर्ट रहे, जैसे अपना W8 मॉडल में आता है, ठीक है भैया। जो आफ्टर मार्केट आता है वो तो मतलब कि कलर में भी मिल जाता है, वो कलर में भी, जो आफ्टर मार्केट आता है वो कलर में मिल जाता है, जो ओरिजिनल आता है वो कलर में नहीं मिलता, नट वाले होते उसको कलर कराया जाता है, आरसी के कलर, जो भी आरसी में कलर चढ़ा होता है उस हिसाब से, ठीक है भैया, कर दो अनबॉक्सिंग। तो ये है यहाँ पे भी टेप जो लगा हुआ है, देख सकते हैं महिंद्रा जेन्युइन एक्सेसरीज का टेप लगा हुआ है, जो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो ये भाई ओपन कर रहे हैं हमारे राकेश भाई, ये लाइट है जो इसके अंदर फिट होगा, ठीक है, लाइट अलग अलग आता है, मतलब अलग देता है ना ये करके,
ये पकड़ो, तो ये देखो स्पॉइलर इस कलर का आता है, बाकी जो कलर होता है वो गाड़ी के कलर के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे भी आपको महिंद्रा का बैजिंग मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइट है जो इसके अंदर ये फिट होगा, ठीक है। ये देखिए इसके अंदर ये लाइट जो है इसके अंदर फिट होगा। यहाँ पे भी आपको महिंद्रा का देखिए छोटा सा महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा, बिल्कुल मतलब छोटी से छोटे पार्ट में महिंद्रा का लोगो जो इसके अंदर ऐसे फिट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके फिट हो जाएगा। और ये भी कपलर सिस्टम है, ये भी कपलर सिस्टम है, देखिए ना कपलर सिस्टम है, कहीं से आपका वायरिंग कटिंग नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो अपना ये आगे और पीछे का जो डिफ्यूजर होता है वो दिखाता हूँ। ये फ्रंट का डिफ्यूजर है जो आगे लग जाता है बम्पर के अंदर, जो बहुत ही बढ़िया लुक देता है गाड़ी के अंदर, लुक ही चेंज कर देता है जो देख सकते हैं ये वाला, और प्रोटेक्ट भी करता है बम्पर को, एबीएस है ओरिजिनल इसमें, मतलब कि मैं आपको कह रहा हूँ ना, मतलब कि कहीं से कोई फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, 0 to 0 फिटिंग होगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। ये हो गया भैया फ्रंट का, और रियर का मैं दिखा देता हूँ, ये है भाई अपना रियर का। तो ये पीछे का रियर का जो डिफ्यूजर है जो देख सकते हैं, ये साइलेंसर टिप है जो डबल है साइलेंसर, यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो कलर है जो यहाँ पे देख सकते हैं जो एबीएस वाला है, बहुत ही मतलब की गाड़ी में जो टॉप मॉडल W8 में लग के आता है उसी कलर का है, और बिल्कुल ओरिजिनल रहने वाला, बहुत ही बढ़िया एक नंबर का फिटिंग है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं एक्सटीरियर का जितना भी ओरिजिनल आइटम है महिंद्रा का वो सब मैं दिखा चुका हूँ, एक्सटीरियर का बाहर का जो भी होता है, जो W4 से W8 में जो लगा होता है, जो W4 और W6 में लगेगा वो मैं हर एक चीज आपको दिखा दिया हूँ एक्सटीरियर के अंदर। अब मैं दिखाता हूँ आपको इंटीरियर का, जो अंदर जो लगता है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कंसोल से स्टार्ट करता हूँ, जो सेंटर में आर्मरेस्ट लगा होता है हाथ रखने के लिए, जो W4 और W6 के अंदर नहीं आता है, और W8 के अंदर ही आता है आर्मरेस्ट जो होता है लंबी कंसोल जो हाथ रखने वाला होता है, तो उससे मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, वो दिखाता हूँ। ये भाई इतने बड़े बॉक्सिंग में आता है अपना, ये देखा तो ये का तो पूरा खदान ही लगा रखा हमारे राकेश भाई ने। यार डिमांड बहुत रहता है, मतलब इसका इतना डिमांड रहता है ना, वो जो W4 और W6 में लगा देता है उसमें तो कंफर्टेबल नहीं है, अब हाथ ढंग से रख नहीं सकते हैं, तो इसका ना डिमांड बहुत रहता है जो आर्मरेस्ट चाहिए और बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए, क्योंकि आफ्टर मार्केट वाला जो आर्मरेस्ट होता है वो प्रॉपर फिट नहीं हो पाता है, तो इसलिए और उसके अंदर ना W6 W4 में ओरिजिनल आर्मरेस्ट ही सक्सेसफुल है। हैंड ब्रेक लगाने में दिक्कत होता है, ये ओरिजिनल है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल 0 to 0 फिटिंग है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और हाथ रखने से लेकर के हैंड ब्रेक से लेकर के बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए भैया, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये आर्मरेस्ट है, ये W8 वाला जो W4 और W6 के अंदर ये फिर लगेगा, ये है, ये पूरा कंसोल चेंज होता है, पूरा कंसोल जो पहले W4 और W6 में जो नॉर्मल लगा के देता उसको बाहर कर देते हैं हम, उसके जगह ये फिट कर देते हैं, ठीक है, और बिल्कुल प्रॉपर टू प्रॉपर फिट, मतलब W4 W6 में ये बस आर्मरेस्ट नहीं होता, आर्मरेस्ट नहीं होता उसके अंदर, नॉर्मल कंसोल अंदर क्या नॉर्मल ग्लास व्लास रखने के लिए दे रखा होता है, ये कंसोल नहीं दे रखा है, तो ये कंसोल हम उसके अंदर फिट करेंगे साथ में। यहाँ पे हमने एक वीडियो में दिखाया था चार्जर में फिट निकल जाता है, ये देखो ना यहाँ से हम ना इसको ओपन कर लेते हैं, ओके ये देखो ओपन हो जाता है, ये ओपन हो जाता है, और यहाँ चार्जर भी फिट कर सकते हैं, ये हम चार्जर भी यहाँ पे फिट कर देंगे ना, जैसे कि यहाँ पे दे रखा होता है जगह, यहाँ पे या यहाँ पे जहाँ पे भी, तो यहाँ पे अपना वो चार्जर होता है पीछे चार्ज करने के लिए, जो पीछे बैठेगा मोबाइल चार्ज करने के लिए, वहाँ हम चार्जर फिट कर देते हैं, जो उसमें लगा होता है वही निकाल के इसके अंदर फिट कर देते हैं, ठीक है। फ्रंट कंसोल दिखा दिया आर्मरेस्ट, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको जो पूरा किट आता है, पावर विंडो का, अपना स्टूडियो का, माउथ का, उसके बाद साइड एसी का, और अपना आर्मरेस्ट का जो मतलब कि गियर होता है, गियर के बीच में जो लगता है किट, वो सब का मैं दिखाता हूँ। और ये कलर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्वा मरीन कलर है, वैसे कलर सारे अपने पास अवेलेबल है, तो मैं पहले एक्वा मरीन से ही स्टार्ट करता हूँ। वो एक्वा मरीन है भाई, एक्वा मरीन आता है, व्हाइट आता है, अपना रेड आता है, भैया ग्लॉस भी आता है, ग्लॉस भी आ जाओ, पियानो ब्लैक भी आ जाता है, टैन कलर भी आएगा, मतलब सारे कलर अवेलेबल है अपने पास। ये देखो यहाँ पे भी ओपनिंग कर रहे हैं एक एक करके, तो ये अलग अलग पार्ट्स आते हैं, पावर विंडो का अलग, हर एक चीज का अलग आता है, तो ये अपना पावर विंडो वाला रहने वाला है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखो तो यहाँ पे एक खोल दिया भैया, देखिए भैया ये एक्वा मरीन कलर है जो देख सकते हैं, यहाँ पे महिंद्रा का बैजिंग भी यहाँ पे आपको मिल जाता है देखने को, ये देख सकते हैं,
और इसके अलावा काफी चीज है इसमें, चारों आपको पावर विंडो का ये मिल जाता है किट। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद ये अपना ये स्टीरियो के नीचे जो लगता है ना, स्टीरियो के नीचे जो ब्लैक में आता है पूरा, हाँ ये चीज यहाँ पे इंडिकेटर का बटन लग जाता है, ये चीज होता है इसके अंदर। तो ये चीज देख सकते हैं, जो अभी कंसोल दिखाया था जो खाली जगह था उस जगह पे ये लगता है, और यहाँ पे लाइटर का सिस्टम भी आ जाता है। ठीक है, ये एक्वा मरीन कलर, ये पूरा किट आता है डैशबोर्ड से लेकर के डोर से लेकर के आमरेज तक। तो ये किसी भी गाड़ी का कलर होगा, अंदर लगने के बाद बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। एक्वा मरीन कार भी आता है, कलर भी आता है, तो उसके अंदर तो प्रॉपर फिट जाएगा। बाकी व्हाइट हो गया, टैन हो गया, ब्लैक हो गया, ये सब लग्जरी हो जाएगी पूरी गाड़ी। दिखाता हूँ एक्वा मरीन कलर में, दिखा दिया पूरा किट जो आता है अंदर का। अब मैं दिखाता हूँ व्हाइट कलर, ये देखिए व्हाइट कलर के अंदर है अपना ये स्टूडियो वाला पैनल है व्हाइट कलर के अंदर। उसके बाद आपका एसी का आ जाता है, अपना डोर का आ जाता है, आर्मरेस्ट का आ जाता है ग्लॉस व्हाइट में। ये ग्लॉस व्हाइट जो देख सकते हैं, ये गाड़ी का प्रॉपर कलर है, जो गाड़ी का जो कलर होता है ना व्हाइट कलर, वो सेम कलर है ये। ठीक है, ये सेम कलर है। तो स्टीरियो का पैनल हो गया, उसके बाद आप ये देखिए पावर विंडो का हो गया। तो पूरा मतलब की किट अपने पास अवेलेबल है इसका, कोई भी कलर हो। मैं दिखाता हूँ आपको, ये जैसे कि पावर विंडो जहाँ पे लगा होता है ना, वहाँ पे हाथ रखने के लिए ना एक हार्ड प्लास्टिक देते हैं, W6 में और W4 में प्लास्टिक होता है, फोम टाइप नहीं होता, फोम टाइप नहीं होता। जब जैसे W8 के अंदर होता है फोम टाइप, जो हाथ रखे थोड़ा सा सॉफ्ट सा लगे, तो उस टाइप से ना लॉन्ग ड्राइव पे तो बहुत दिक्कत होगी प्लास्टिक वाले में, W4 में नहीं लगा होता है। ठीक है, वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो W8 में लगा होता है। ये पैनल भी महिंद्रा से आता है, ये देख सकते हैं ना, हम लोकल लगाते नहीं है। देखो महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स, जेन्युइन एक्सेसरी, तो हम ओरिजिनली लगाते हैं, लोकल में तो कोई काम ही नहीं है भैया, लोकल में तो कोई काम ही नहीं है। ये देखिए ये अलग अलग आता है चारों, मैनुअल है महिंद्रा जेन्युइन एक्सेसरीज का, कैसे लगाना है, यहाँ पे डोर ट्रिम का लिखा हुआ भी है, ये देखिए ना एक्चुअली डोर आर्मरेस्ट रेस्ट, डोर आर्मरेस्ट रेस्ट है। तो ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये फोमी फोम वाला होता है, ये देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा फोम वाला होता है। और यहाँ पे भी आपको बैजिंग मिल जाता है महिंद्रा का, ये बैजिंग देख सकते हैं महिंद्रा का ओरिजिनल है। ठीक है, तो ये चीज काफी मतलब कि आपको हाथ को आराम देगा ये चीज। ठीक है, तो डोर ट्रिम आर्म रेस्ट के बाद मैं दिखाता हूँ जो काफी हमारे क्लाइंट कस्टमर का डिमांड होता है, पीछे पार्सल ट्रे का। ठीक है, तो ये पीछे पार्सल ट्रे जो पूरा बल्क में रखा हुआ है, तो मैं वो चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल महिंद्रा का जेन्युइन एसएसएस पार्सल रहने वाला है। तो उसको मैं ओपन करके ये है इसका, ये ओरिजिनल महिंद्रा का, ये W4 में लग के नहीं आता, ये W4 में लग के नहीं आता, ये W4 में लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर टू प्रॉपर फिटिंग होगा, कहीं से कोई लूज नहीं होगा, कंपनी बना के ही दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पास में देखिए, यहाँ पे हर एक चीज दे रखा है, यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात है। चलो ठीक, सब पे 15% डिस्काउंट। पार्सल ट्रे के बाद मैं दिखाता हूँ आपको फुट स्ट्रिप, मतलब कि इसे इसका प्लेट भी कहते हैं, वेलकम लाइट भी कहते हैं, तो वो चीज मैं दिखाता हूँ। ये भी जेन्युइन महिंद्रा का रहने वाला है, जिसको लाइट में पसंद नहीं है तो ये अपना लगा सकते हैं, ये चीज ओरिजिनल है और बिना लाइट का है, जिससे कि स्क्रैच वगैरह नहीं आता। आप गाड़ी में चढ़ते समय स्क्रैच आ जाता है, वो स्क्रैच नहीं आता है। तो मैं आपको ओपन करके एक पीस जरूर दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये है आप लोगों के सामने XUV300 का, इसके अंदर 3M का टेप लगा हुआ है और XUV300 का है। और इसमें अगर लाइट वाला चाहिए वो भी हमारे पास मिल जाएगा, विदाउट लाइट चाहिए वो भी मिल जाएगा, दोनों हमारे पास ओरिजिनल अवेलेबल है। तो मैं लास्ट चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, हमारे पास ये लास्ट है जो अभी व्हील कवर है, और भी बहुत चीज है जो मैं आपको ये पार्ट टू में दिखाऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो गई है, काफी वीडियो लंबी हो जाएगा। जैसे ओरिजिनल ये पार्ट्स है, ओरिजिनल पार्ट्स के अंदर ही पार्ट टू लाऊंगा, जिसके अंदर आपको मैं वायरलेस कुछ नई चीज है, बताओ मत उसी में दिखाएंगे, मतलब ऐसी चीज लाऊंगा आपका देख के तबीयत खुश हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो पे भाई अच्छा खासा प्यार सपोर्ट दिखाना है आप लोगों को। तो लास्ट चीज यहाँ पे खोल दिया, और ये है सबसे जरूरी चीज, महिंद्रा का ओरिजिनल व्हील कवर डबल कलर के अंदर, सिंगल कलर में भी मिल जाएगा अपने पास, हाँ जी डबल कलर के अंदर है, जो यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाता है, और ये ओरिजिनल महिंद्रा का है। ठीक है, और ये महिंद्रा का डब्बे भी दे सकते हैं, और इसके भी आप इस पे भी आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल बढ़िया एक 0-0 फिटिंग है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये निकल तो नहीं जाता भैया? नहीं निकलेगा, हम इसके अंदर क्या करते हैं, प्रॉपर फिटिंग है ना, इसे अगर लूज वाला लोकल लगाएंगे वो निकल जाएगा, ये ओरिजिनल महिंद्रा का ये नहीं निकलेगा। ठीक है भैया। सो गाइस, अभी आप लोगों ने देखा पूरे अपने सारा A to Z प्रोडक्ट W4 से W8 में, और कुछ नई चीज और लेके आ रहे हैं, उसके लिए तो पार्ट टू का वेट करना होगा, जो
मतलब कि अलग ही चीज है, धमाका धमाका जो आज तक एक्सयूवी 300 में लगाई ही नहीं है वो हम वो चीज मैं लेकर के आ रहा हूँ, वो चीज लगा करके दूंगा और बिल्कुल मजा आ जाएगा इसे। ठीक है तो भाई अगर आप लोग के पास अपनी एक्सयूवी 300 है या प्लान कर रहे हो तो भैया के पास बेफिक्र से आ सकते हो और 15% डिस्काउंट के साथ ऑल ओरिजिनल जनरल एक्सेसरीज लगा सकते हो। डुप्लीकेट लगाने से बच सकते हो भाई, मार्केट में जो ठगी होती है उससे आप लोग बच सकते हो और ओरिजिनल आइटम लगवा के 15% डिस्काउंट मिलेगा। हाँ अगर बिल्कुल हमारे पास ओरिजिनल है लोकल, बिल्कुल अगर आप लोगों का देखिए आफ्टर मार्केट भी आता है तो ओरिजिनल जिसे लगाना है बिल्कुल लगा सकते हैं, आफ्टर मार्केट वाला बोलेंगे तो भी हम लगा देंगे लेकिन बता के लगाएंगे भैया ये आफ्टर मार्केट है ये ओरिजिनल है, कौन सा लगाना है ये बताओ। आपको ओरिजिनल लगाना है तो ओरिजिनल लगाएंगे, जिसे आफ्टर मार्केट लगाना हो उसको आफ्टर मार्केट लगा। ठीक भैया किसी मेरे भाई को एक्सयूवी 300 मॉडिफाइड करवानी अपनी W4, W6 या W8 है तो कैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, कहाँ पे आना है? हमारा शॉप जो शोरूम है करोलबाग में, दिल्ली करोलबाग के अंदर है, अब्दुल अजीज रोड पे, अब्दुल हमारे बिल्डिंग का नाम है आरआर प्लाजा 16/28 शॉप नंबर 4। मेरा मोबाइल नंबर है 9717656417। दूसरा नंबर है 9797114304 6। ठीक है तो भाई आप लोग भैया को कांटेक्ट कर सकते हो एनी टाइम, किसी भी चीज का रेट लेना हो आप लोग भैया को कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, हर एक चीज का भैया सबका फोन पिकअप करते हो। बिल्कुल करते हैं, क्या होता है भैया कई बार क्या होता है बिजी होने से अगर रिप्लाई नहीं देते हैं तो लेट हो जाता है, तो जरूरी नहीं हम घर पे जाके आराम से रिप्लाई देते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई कबार क्या होता है दुकान में ज्यादा भीड़ हो रहा का होता है, कस्टमर हैंडल कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा सा रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहता है आप लोगों का रिप्लाई जरूर दो, क्योंकि आप लोग विश्वास के साथ हमारे को मैसेज करते हैं, जब फोन करते हैं तो मैं बिल्कुल विश्वास के साथ रिप्लाई और जरूर बताऊंगा, जो जो होगा हर एक चीज बताऊंगा। तो भाई यही था आज के सिर्फ वीडियो में, वीडियो भाई सुबह से शाम हो गई, हर एक चीज आप लोग को दिखाते दिखाते हर एक चीज को डिटेल में मैंने आप लोग को दिखाया, तो होप आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। एक्सयूवी 300 बेफिक्र होके भैया के पास आप लोग आ सकते हो अच्छे डिस्काउंट, और मेरा लोकेशन आपको गूगल पे मिल जाएगा, कार कस्टम करोलबाग अगर आप गूगल पे डालते हैं, मैप डालते हैं तो मेरा लोकेशन खुल जाएगा, वैसे भी आप लोकेशन खोल के आ सकते हैं। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को लोकेशन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फोन नंबर वगैरह सब कुछ, और यहाँ पे पॉपअप भी हो रहा होगा भाई, आप लोग कॉल करके एनी टाइम कुछ भी चीज की क्वेरी ले सकते हो। इस वीडियो में यही था, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भाई रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और पूरे अपने एक्सयूवी भाइयों में फैला दो बिल्कुल जहर की तरह धमाका कर दो। जय हिंद, जय भारत।